ਗਰੀ ਪਾਈ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ मस्त भंगड़ा करते लोग गिद्दा करती महिलाएं लोहड़ी पर पंजाब की ऐसी छटा देखते ही बनती है। तो पहले तो आप थोड़ा सा आनंद लीजिए भंगड़े का। और अब थोड़ा सा मजा ले गिद्दा का भी। सचमुच मन मोह लेने वाला नजारा है ये। रहा है लोहड़ी का। लोहड़ी उत्तर भारत का त्योहार है और वैसे ये पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है। दोस्तों वैसे तो सभी त्योहार फसल से जुड़े होते हैं क्योंकि फसल का पकना कटना ये किसान के साथ साथ बाकी सबके लिए भी खुशी की बात हुआ करती थी। क्योंकि फसल से ही सभी व्यापार जुड़े होते थे। किसान फसल बेचता था, राजा को टैक्स देता था, फसल बेचने से व्यापारी का व्यापार बढ़ता था, साल भर के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदना, कपड़ा खरीदना वगैरह वगैरह। ऐसे में पैसा सर्कुलेट होता था मार्केट में और उस त्योहार को मनाने के लिए एक दिन निश्चित कर लिया जाता था। यानी ये तो था त्योहार मनाने का कोई भी मुख्य कारण। लेकिन इन त्योहारों के दिन कोई अच्छी बड़ी बात जुड़ना या किसी महापुरुष का जन्म आदि होना इसे और खास बना देता है। इसी तरह लोहड़ी भी पारंपरिक तौर से फसल बुआई और कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है। इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन चौराहों पर लोहड़ी जलाई जाती है, लड़के आग के पास भंगड़ा करते हैं, वहीं लड़कियां और महिलाएं गिद्दा करती हैं, सभी रिश्तेदार एक साथ मिलकर डांस करते हैं और बहुत धूमधाम से लोहड़ी का जश्न मनाते हैं। इस दिन तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली का भी खास महत्व होता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी का भी महत्व है। मान्यता है कि मुगल काल में अकबर के समय में दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स पंजाब में रहा करता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे। तब दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी और तब से हर साल लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने की परंपरा भी है। तो लोहड़ी के इस पावन अवसर पर ग्रीन टीवी की ओर से सभी किसान भाइयों को लख लख बधाइयां। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।